मिर्जा के साथ इट वॉज अ बिग ऑनर टू वर्क विद हिम, और मेरे ख्याल में हम सबसे ज्यादा मासूम बच्चा जो है ना, एक उनके अंदर वो छुपा हुआ है, जो रोजाना सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक कूद कूद के बाहर निकलने की कोशिश करता है। और बल्कि मुझे लगता है कि मैं इनसे ज्यादा बूढ़ा हूँ किसी एतबार से, ये मुझे जवान रखते हैं। और इनके जो एक साथ साथ इनका एक तरीका होता है जो हम लोग सीन कर रहे थे, क्योंकि ये पहली फिल्म थी जिसमें पहली दफा मैं देवेंदु, सिद्धार्थ और कास्ट से जब मिला तो वो सेट पे ही सीन के वक्त ही मिला, तो सीन हमने किया तो वो पहली टेक थी। तो डेविड सर का एक तरीका होता है कहने का, कहते हैं कि वो लाओ ना तुम लोग, वो क्या होता है सीन में, वो करो ना कुछ, करो कुछ। तो ये एक इनका स्टाइल होता है। और तापसी के साथ जो मेरा पहला सीन था, वो सीन नहीं था, वो किसिंग था। तो उन्होंने कहा कि, मैंने कहा जी तापसी कैसी हैं आप, मैंने कहा सर क्या करना है, कहने किस करना है, सर पहली दफा मिल रहा हूं मैं, क्या करूं। तो इज अ वंडरफुल पर्सन टू वर्क विद, एंड ही सो सपोर्टिव, ही इज सच अ, और ये सबसे अच्छी इनकी चीज जो है कि 5 बजते हैं और शूटिंग बैकअप हो जाती है। क्या बात है, कॉलेज डे में दोस्त यार कमी नहीं होते हैं ना, तो एटमॉस्फेयर तो यूथ का ही है, मतलब कमी ना मन का नॉटीनेस है, बहुत सी चीजें होती है उसमें, दे अगेंस्ट द फ्रेंड, तंग करते हैं उसको, जब तकलीफ में आता तो उसके लिए हाथ भी, मतलब दे ज्वाइन हिम ऑल्सो, तो फ्रेंडशिप के ऊपर है फिल्म बेसिकली। यार एक्चुअली ये डेविड सर ने आइडिया दिया, एक दिन घर पे बुलाया, कहते कि यार म्यूजिक तो बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन यार वो बात नहीं आ रही है, जैसे तुम लोग बोला ना, तुम लोग कुछ करो ना, तुम लोग, तो मैंने कहा सर वो बात मतलब कुछ बात, तो कहने की यार मेरे पास एक लाइन आई है, हर एक फ्रेंड कमीना होता है। तो मैंने बोला यार ये तो बहुत कमाल लाइन है। और वहीं के वहीं हम लोग नाश्ता करते 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 आई मेड द सॉन्ग ऑल्सो, एंड बोले किससे लिखवाएगा, तो आई सेड यार वो कौसर मुनीर है, तो बोले यार वो तो बहुत शरीफ वाले गाने लिखती है, कौसर कम यार। अच्छा कौसर लिखा है। और एक बात मैं और बोलना चाहूंगा हमारी फिल्म की, माशाल्लाह हमारे जलीस भाई जिन्होंने 2 गाने लिखे हैं, हमारे नीलेश मिश्रा जी, अच्छा ये लोग सब लोग बहुत ही सुलझे हुए गाने लिखते हैं और अच्छे मयारी गाने लिखते हैं, लेकिन इस फिल्म में मैंने इनसे जितने हो सके मस्ती घोड़े गाने, जलीस भाई ने लिखा अंधा घोड़ा रेस में दौड़ा, इन्होंने लिखा है, नीलेश मिश्रा जी ने जो बर्फी के गाने इतने अच्छे लिखे हैं, इन्होंने लिखा है कि जब तू भड़कती है दिल पे चले गोलियां ढिचकियां उड़ूं, और ये लिख रहे हैं हर एक फ्रेंड कमीना होता है। देखिए मैंने कितना करप्ट कर दिया मेरे राइटर्स को। जहां तक कहानी का सवाल है, या सोल, इट हैज द सोल, बट वो 30 ईयर्स बैक थी फिल्म, इट वॉज वेरी गुड दैट टाइम, इट वॉज अमेजिंग फिल्म, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अब भी अच्छी हो, अभी की यूथ है जो टाइम चेंज हो गया उस हिसाब से, बाकी कहानी के जो सोल है ना उस पिक्चर का, तभी तो मैंने बनाई है। मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग वाक्य है, जिन दिनों में म्यूजिक बन रहा था, क्योंकि मैं शूटिंग हुई थी और शूटिंग के बाद मैं ठहर गया अपने गाने डब करने के लिए, तो ये स्टूडियो आते थे और ये पता नहीं कितनी फिल्मों के क्या क्या गाने कर रहे थे, और मुझे एक दफा एक गाना बता रहे श्री पकड़े, तो ये कहते हैं कि ये गाना है कि अरे देखा तुझे तो तसल्ली हुई चल आखिर माँ को, एक सेकंड फोन बन गया जी, सलमान भाई हाँ वो गाना बन गया है, वो गाना है माशाल्लाह माशाल्लाह चेहरा है माशाल्लाह एनोखे नैनो का पैरा है माशाल्लाह तूने चुराया है पाया है ये, हाँ तो देखा तुझे तो तसल्ली। इनफैक्ट गाना रख के बोला यार ये गाना बहुत अच्छा है। तो ऐसी सिटिंग होती है हमारी, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल, मतलब बहुत मजा आया, एंड सर थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस सच अ लवली अपॉर्चुनिटी। व्हाट डू यू से साहिब भाई, के अब मैं समझा तेरे रुखसार पे दिल का मतलब, दौलत हुस्न पे दरबार बिठा रखा है, दरबार बिठा रखा है। और अगर किसी के फेस पे मस्सा होता, तिल ना होता मस्सा होता, तो मैं क्या कहता कि अब मैं समझा तेरे रुखसार पे ये मस्से का राज दौलत हुस्न पे संडे को बिठा रखा है।